साथियों, आज राजकीय इंटर कॉलेज राडाबाद में वन विभाग कृष्णनगर के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के वन दरोगा श्री खुशी राम जी ने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करवाया। यहाँ पर जो है अध्यापक साहब विज्ञान के जो अध्यापक श्री मेहरा जी द्वारा यहाँ पर विद्यार्थियों के समक्ष वन्य जीवों के साथ हमारी परस्पर आत्मनिर्भरता को लेकर यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बातें कही गई। लेकिन उनको दूर भगाना है, खत्म भी नहीं करना, उनको दूर भगाना है। और बहुत सारे जीव है वन्य जीव, अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य की जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो सीधा जो है नीचे आ जाती। और धीरे धीरे हमने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारा गैजेट का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो है क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकल रहा है उससे, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सब चीज़ों से। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उस ओजोन परत पे छेद कर रहा है उसे। जब छेद हो जाएगा तो क्या होगा, सीधा जो है सूर्य की किरणें, पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें हैं, वो सीधा हम तक पहुँच रही हैं। जब हमारे शरीर पर पहुँच रही हैं तो हमें शरीर में क्या हो रहा है, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जैसे कैंसर हो गया, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो उन पराबैंगनी किरणों के डायरेक्ट आने से होती हैं, ठीक है। या हृदय कमज़ोर हो रहे हैं, हार्ट अटैक की बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसमें भी लिखा है, इसको और अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या करें, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं अपने वातावरण में। पेड़ पौधे ही हमारे सबसे दोस्त हैं, वही हमको सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। पेड़ पौधे सारा खाना भी वही देते हैं हमको, पेड़ पौधे, इसलिए हम उनसे दोस्ती करें। पेड़ पौधों को काटें ना, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हम अपने बर्थडे पे क्या करें, केक काटते हैं, तो केक काटने के बजाय हम एक शुरुआत करें हम, कि हम जो है अपने एक पेड़ लगाएं हम अपने, ठीक है। नागेंद्र जो है 12 साल का है, तो इसके 12 पेड़ हो जाने चाहिए अब तक, और फलदार पेड़ होंगे तो और भी बढ़िया है। तो कौन कौन करेगा ऐसे, अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाएगा, करेंगे सब लोग, ठीक है। पहले तो फलदार पेड़ हो, फलदार ना हो तो चारे वाला पेड़ हो। उनके द्वारा वन्य जीव सुरक्षा को लेकर अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य और सावधानियों को लेकर भी विद्यार्थियों के समक्ष अपनी बात रखी गई। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको अपना अमूल्य समय दिया। और ये जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जो इसमें पालतू पशुओं और जंगली जानवरों में हमको खासकर कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी वैसे समझना चाहिए। और रही बात इसकी जंगली हिंसक जानवरों से, आपको उनकी रक्षा, उनसे अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, जैसे घरों की सफाई हो गई। इस कार्यक्रम समाप्ति पर प्रतियोगिता के विजेताओं को वन विभाग कीर्तनगर के सौजन्य से खुशी राम जी द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त किया है मयंक सिंह, कक्षा 11 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी भारती, कक्षा 12 में प्रथम स्थान कुमारी शीतल। द्वितीय स्थान नागेंद्र सिंह, कक्षा 11 द्वितीय स्थान देवेश्वरी, कक्षा 12 द्वितीय स्थान आशीष कुमार, जिन बच्चों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो इस प्रकार हैं, कक्षा 9 से तृतीय स्थान कुमारी कल्पना, कक्षा 10 से तृतीय स्थान प्रदीप सिंह, कक्षा 11 से तृतीय स्थान गौरव सिंह,
इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक जो उपस्थित रहे और विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य श्री सूरज रावत जी द्वारा यहाँ पर वन विभाग का जो है वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह विद्यालय मनाए जाने को लेकर हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।